मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया है। महिला दिवस पर महिला पत्रकारों के साथ उन्होंने वृक्षारोपण किया। स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने वृक्षारोपण किया, पौधा लगाया उन्होंने। सीएम शिवराज सिंह के साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। सीएम शिवराज ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। नारी ही नारायणी, दुनिया का हर काम कर सकती है महिलाएं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। तो ये पौधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया है। महिला दिवस के अवसर पर महिला पत्रकारों के साथ उन्होंने वृक्षारोपण किया है। अपराधियों को सजा देने का काम, इलाज करने से लेके खेती करना और उद्योग चलाने तक का काम वे सब कर सकती है। अनंत शक्तियों का भंडार है वे, लेकिन जरूरत है उस शक्ति को पहचान के उसका उपयोग करने की। कोई भी देश प्रदेश बहनों की शक्ति और क्षमता का उपयोग किए बिना प्रगति नहीं कर सकता। आज आपने देखा, सवेरे जब मैं हमारी बहन सफाई कर्मियों से मिलने गया तो गाड़ी चलाने से लेके सुरक्षा करने तक का जिम्मा हमारी बहनों ने संभाला है और पूरी कुशलता और सक्षमता के साथ संभाला है। जब मैंने बात की सफाई कर्मी बहनों से और मैंने पूछा कि बहनों के लिए क्या करना चाहिए, तो एक ही आवाज निकली, सबसे पहली जरूरत है हमें सम्मान। जिसके हम हकदार हैं वो सम्मान चाहिए। आज दिन भर के कार्यक्रमों में अभी हुनर हाट जाएंगे, वहां बहनों ने क्या क्या बनाया है वो देखेंगे। दीदी कैफे भी जाऊंगा, फिर कार्यक्रम भी है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में पहले भी बहुत काम हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, देश में स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% रिजर्वेशन देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। पुलिस में 30% भर्ती मेरी बेटियां देख रहे हैं। जब ये प्रस्ताव में लेके आया था तो बहुत विरोध हुआ कि ये कैसे सुरक्षा करेंगी, लेकिन बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। आज पुलिस में 30% भर्तियां होती है, शिक्षकों में 50% भर्तियां होती है, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% बहनें चुन चुन के आई है और पुरुषों से बेहतर सरकार चलाई है। लेकिन आज भी मेरे मन में आता है सम्मान और समानता। हर बहन ये महसूस करती है और ये सच्चाई भी है, इसकी कमी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारा संकल्प है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नारा नहीं है, हमारे जीवन का मिशन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जीवन का भी मिशन है, और इसलिए सम्मान, समानता, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन, इन 5 मुद्दों पर विचार करके आज माँ बहन और बेटियों के कल्याण के और भी फैसले करने का प्रयास करेंगे। आज मेरी पत्रकार बहनें यहाँ पे हैं और उनके साथ हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया है, और मुझे प्रसन्नता है कि बहनों का आशीर्वाद इस पवित्र काम में मिला है। धर्मपत्नी भी आज, वैसे तो हमेशा ही साथ होती है, वो साथ रहे ना रहे, लेकिन वह सदैव पति की सफलता की कामना के लिए जो कर सकती हैं करती हैं। तो कोशिश ये है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन बने। महिलाओं को आपके शिवराज जी, महिलाओं को आपने आज सारथी बनाया, सुरक्षा में रखा, क्या संदेश देना चाहते हैं? बहनें सब कर सकती हैं, सारी क्षमता उनमें, जरूरत उस क्षमता को उपयोग करने की है। तो मैसेज यही है कि देखो वे सब संभाल सकती है और संभाल रही है।
सर जबलपुर में राज्य स्तरीय बालिका महिला बॉक्सिंग चैंपियन शुरू हुई है सर आज से। अब बाकी मुद्दों पर बात बात करते हैं। अभी कल मैंने समीक्षा की है, लेकर कुछ कानून बनाने के लिए कल आज चर्चा करेंगे। आज कल मैंने समीक्षा की थी, परसों से कम पॉजिटिव केस कल आए हैं, हम एक दो दिन और देखते हैं।